अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसा कि हमारे लाइव सेशन की सीरीज़ में हमने एक सब डिवीज़न बनाया विच इज़ रोल ऑफ मुस्लिम्स इन अब्रॉड, जिसमें मैं उन जानने वालों लोगों का इनवाइट करता हूं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर हैं और वो वहां पर या तो किसी मस्जिद से मुंसलिक हैं या वहां पे दीन की मेहनत का काम कर रहे हैं। तो आज हमने फैज़ान रियाज भाई को बुलाया जो कि इमाम है दारुल हुदा मस्जिद और USA की एक स्टेट में। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? कैसे हैं मिजाज सर? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमने कहा कि लोगों को कुछ हम जो है ना वो डिस्कस करें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़ास तौर पे कितना क्या 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 डायनामिक्स हैं दीन पर खुद भी चलने की और दावत का काम करने की और लोगों को दीन से कनेक्ट करने की। तो उस पर हमने एक सीरीज़ रन की है जिसमें कुछ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आप आज उसका हिस्सा हैं। हज़रत, मैं चाहूँगा कुछ आप अपने बारे में हमें बताएं कि पाकिस्तान में क्या तरतीब रही और अब USA में क्या सिलसिला है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अहमदुल्लाह नुसल्ली अला रसूलिल करीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई गो इन उर्दू लैंग्वेज, बिकॉज दिस स्ट्रीम हैज़ बीन गोइंग बोथ वेज, इट्स बीन गोइंग ऑन आवर दारुल हुदा मस्जिद पेज एज वेल एंड आल्सो ऑन ब्रदर उमर मलिक अमान पेज एज वेल। So I just wanted to clarify with the public who are watching this that this has been broadcasted live from Pakistan. A lot of people, they're watching it live from Pakistan. So as he posted questions in Urdu, and I'm going to reply in Urdu language as well. So first of all, I just want to say sorry or ask forgiveness from the people who understand English and do not understand Urdu, that I will be answering the questions in Urdu, inshallah. And our conversation will be in Urdu. In the middle, you know, if there's anything I want to point out, inshallah, I can translate that to English. So that's first thing. तो इंशाल्लाह, बस ये मैंने थोड़ा सी क्लेरिफिकेशन दे दी है क्योंकि हमारी जो मस्जिद पेज है उसमें काफ़ी जो है ना वो और भी लोग हैं। तो सबसे पहले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से, मेरा ताल्लुक़ है कराची से और कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में ही रहा हूँ। तो मैं तकरीबन 89 से लेके 2001 में तकरीबन 11 साल का था, तो हम कैनेडा मूव हो गए थे फैमिली हमारी। और 2 साल में कैनेडा में स्कूलिंग की है, ग्रेड 6, 7, 8 और 9। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल कैनेडा में रह के फिर हम वापस पाकिस्तान आए थे। तो पाकिस्तान आके फिर मैंने 9th और मैट्रिक और इंटर और फिर कराची यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ था जियोलॉजी के अंदर। तो मैं बैचलर्स करना था, बैचलर्स करने के दौरान ही मैंने एक बिज़नेस शुरू कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बिज़नेस की वजह से मैं 2011 से US बहुत ज़्यादा मेरा आना जाना हो गया था यूनिवर्सिटी के दौरान ही। फिर 2013 में मैं परमानेंटली जो है वो यहाँ मूव हो गया था। एक मस्जिद है यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में, एक स्टेट है अमेरिका में, नॉर्थ कैरोलिना रॉले, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहा हूँ तकरीबन 2 साल। और मेरी शादी हो गई थी अटलांटा में, तो मैं फिर यहाँ मूव हो गया था। फिर अटलांटा मुझे रहते हुए तकरीबन 5 साल हो गए, 2015 से और 2020 अप्रैल के अंदर 5 साल हो गए, तकरीबन 5 साल से यहाँ पे हूँ मैं। तो ये हमारी छोटी सी एक सफ़र है और इसमें काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें मौका दिया है दीन के साथ जुड़ने का और अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने का। तो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रह के एक्सपीरियंस हासिल किया है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी हम पर जिम्मेदारी आयद की है एज अ मुस्लिम, एज अ बिलीवर। कहीं भी रह रहे हों, हम पाकिस्तान में रहते हों या अमेरिका में रहते हों, जिम्मेदारी अल्लाह ने हम पर पूरे आलम की डाली है कि हम कैसे अपनी फिक्र भी करें और बाकी जो लोग हैं उनकी फिक्र करें कि भाई कैसे ये लोग जो है ना राह रास्त पर आ जाएं। तो अल्लाह के फजल से ये हमारी जो मस्जिद है जहाँ पे अभी मैं इमाम हूँ, दारुल हुदा मस्जिद स्नेलविल जॉर्जिया, ये सिटी का नाम स्नेलविल है और अटलांटा बड़ा शहर है, उसका सबर्ब है ये। जैसे कराची होता है तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, तो इसका सबर्ब है, शहर अटलांटा है उसका एक, उसमें छोटा सा एक शहर मतलब छोटा सबर्ब है, स्नेलविल टाउन है। तो वहाँ पे हमारी ये मस्जिद है, तकरीबन डाउन टाउन अटलांटा से 25 मील दूर है। और यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से इन्वॉल्व हूँ। तो ये मस्जिद हम बना रहे हैं, तो इसके प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ और सफ़र मेरा काफ़ी मतलब अभी पिछले 3 साल से मैं इस मस्जिद के प्रोजेक्ट के लिए सफ़र कर रहा हूँ। और अल्लाह के फजल से कोई 45 स्टेट से ज़्यादा मैं गया हूँ खुतबा देने जुमे का।
तो ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। हालांकि और भी यहाँ पे इमाम होते हैं या और भी लोग होते हैं, लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिलता सफ़र करने का, इंट्रैक्शन करने का। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से एक्सपोजर रहा है कि लोगों से मुलाकात की है, मुख्तलिफ मस्जिदों में मैं गया हूँ जुमा पढ़ाने। फिर हम मतलब तो ऐलान सही करते हैं मस्जिद के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में कि लोग डोनेट करें। और तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो जितना सफ़र किया है और यहाँ पे जितने लोगों से मुलाकात की है, जो अवामुन नास है अमेरिका में, जो लोग अमेरिकन शहरी रहने वाले हैं, उनको अल्लाह सुबहान तआला की जो ज़ात है या मुसलमान है या इस्लाम है उसके बारे में आप समझे, मेरा अपना एनालिसिस है कि 0.0001% नॉलेज है। सही तो नॉन उन मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या है। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2011 में मैं वक्त लगा रहा था कैंसिस में, एक स्टेट है यहाँ पे कैंसिस, तो चिल्ली के लिए गए थे जमात में। तो कैंसिस में हम थे, तो वहाँ पे मैं एक ग्रॉसरी स्टोर से चेकआउट कर रहा था, तो जो लेडी थी एफ्रो अमेरिकन थी, तो मैं ऐसे ही था, मामा पहना हुआ था मैंने, शबाक वाइट शबाक मिस पहना हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, तो वो मुझे कहने लगी कि वाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम अस, वाई यू लुकिंग डिफरेंट, वाई यू वेइंग दिस टर्बन, एंड वाई आर यू ड्रेस्ड यू नो डिफरेंटली, एंड वाई यू आर यू नो कवर्ड एंड ऑल दैट। तो मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा देखो भाई, हम मुसलमान हैं और हमारे जो नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये सुन्नत है, उनकी उनका ये तरीका है, तो उसको हम अपनाते हैं। तो वो कहने लगी, ओ सो यू आर मुस्लिम, मुस्लिम्स आर द वन हु बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, राइट? यानी आप मुसलमान हैं, इसका मतलब ये मुसलमान कई खुदाओं पर ईमान लाते हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मुसलमान तो एक खुदा को मानता है, वो तो एक अल्लाह को मानता है। तो यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये मैंने एग्जांपल दी है कि इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे अवामुन नास का क्या हाल है इस्लाम के मुताल्लिक। तो मीडिया ने काफ़ी रोल अदा किया है, और पोर्ट्रे जितना नेगेटिव फीडबैक करती हैं, अल्लाह का निज़ाम अलग चलता है, अल्लाह ने उसको और ज़्यादा उभारा है, और काफ़ी लोग माशाल्लाह, ख़ास तौर पर जो 9/11 का वाक़ है उसके बाद काफ़ी लोग मुसलमान हुए हैं यहाँ पे, और अभी भी माशाल्लाह काफ़ी तादाद है लोगों की मुसलमान होने की। लेकिन उसमें कुछ मसाइल हैं। पहला मसला जी ये है कि वो मुसलमान तो हो जाते हैं, लेकिन उनको फिर इस्लाम और ईमान को बाकी रखना और इस्लाम को प्रैक्टिस करना, उसके लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट से वो आते हैं, गैर मुसलमान मतलब उनके ईसाई होते हैं या जो भी एथियस्ट होते हैं, नहीं अल्लाह को मानते, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना उनके लिए एक चैलेंज होता है कि वो कैसे अपने ईमान को बाकी रखें। तो मैं बात मैंने शुरू की थी कि हम पर जो है ना एक जिम्मेदारी है, अल्लाह ने हम पर एक जिम्मेदारी लगाई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि हम खुद अपने दीन की फिक्र करें और सारे आलम में जितने इंसान हैं उनकी फिक्र करें कि यार ये कैसे कलमे पर आ जाए। मतलब सही अमेरिका में काफ़ी लोग रहते हैं और माशाल्लाह मिलियंस में तादाद है, तो कुछ लोग यहाँ पे आए हैं ये नियत करके कि यार मुझे लाइफ स्टैंडर्ड मेरा अच्छा हो जाए, सही लग्जरी ऑफ लाइफ मुझे मिल जाए, मेरी गाड़ी अच्छी मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, मेरे खाने पीने का निज़ाम सही हो जाए, जो चीज़ें हमारे मतलब माशरे में नहीं है मुझे यहाँ पे मिल जाए। और एक नीयत ये है कि मैं यहाँ पे आके ये नीयत करूँ कि भाई मैं यहाँ दावत के लिए आया हूँ, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं खुद नहीं सही आया, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और भेजने का मकसद ये है कि मैं इन ये जो बेचारे लोग हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, इनकी फिक्र करूं कि ये कैसे ईमान ले आए और मुसलमान हो जाए। तो ये हम पर अल्लाह ताला हमसे सवाल भी करेंगे, हमारे अब कितने नेबर्स हैं, जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट नेबर है, जो मेरा घर है मेरे बराबर वाला, राइट लेफ्ट पे आगे पीछे, गैर मुसलमान है, अब उनकी मैंने फिक्र करनी है कि यार ये बेचारे को कलमा कैसे मिल जाए, अगर इनको कलमा नहीं मिला और ये मर गए इसी हाल के अंदर, तो ये तो हमेशा हमेशा की जहन्नुम में जलेंगे। सही तो इस बात की फिक्र हमें मतलब जो है ना हो, चाहे हम कहीं भी रहें इस बात की फिक्र होगी। एक तो हमें बहुत सारे लोग खास तौर पे पाकिस्तान में जो रहते हैं उनका ये एनालिसिस होता है अमेरिका में रहने वालों को, या अमेरिका को गालियां बकते हैं, अमेरिका को बहुत बुरा भला कहते हैं, तो एक तो ये आंसर है कि उससे हम एनिमोसिटी करें और दुश्मनी करें, और एक हम जो है ना अपना जो है ना रेज निकालें कि भाई अमेरिका ये कर रहा है वो कर रहा है, और एक ये है कि उनका दिल में रहम हो उनके लिए। भाई एक सही बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, मैं 2016 में आया था वक्त लगाने 40 दिन, तो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह से आखिरी मुलाकात हुई, तो हाजी साहब जो पाकिस्तान में तबलीग के अमीर थे, तो उनसे जब मैंने आखिरी बस डिपार्टिंग में मुलाकात होती है जब वक्त लगाने जाते हैं, तो उनसे जी पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हैं, मैंने बताया मैं अमरीका में रहता हूँ, तो भाई साहब ने ये कहा कि देख भाई अल्लाह ने तुझे अमेरिका वालों की हिदायत के लिए वहां भेजा है, तो ये नियत कर ले, तो इस बात की मेरे मुन्ने इस बात की नियत कर ले कि अल्लाह ने तुझे वहां उनकी हिदायत के लिए भेजा है।
तो जब तक आप किसी का खैर ख्वाही का जज्बा आपके दिल में नहीं होगा किसी के लिए, किसी का भी आपका खैर ख्वाही का जज्बा नहीं है, तो आप उनकी हिदायत की कंसर्न करना या उनकी हिदायत के लिए एफर्ट करना या उनकी हिदायत के लिए कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। जब तक खैरख्वाही का जज्बा ना हो कि आपके उनके लिए वेल विशिंग हो, हमें ये नहीं हो कि यार ये मरे जहन्नुम में जाएं जलें, बल्कि ये हो कि यार ये भी इंसान है, इनके भी जैसे हम खाना खाते हैं ये भी ऐसे खाना खाते हैं, जैसे हमारे बीवी बच्चे हैं इनके भी बच्चे, जैसे हमारे वालदैन इनके भी वालदैन हैं, ये हमारी तरह ह्यूमन बींग्स हैं, उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना और उनको उनकी खैरख्वाही करना दीन के एतबार से। दुनिया के एतबार से तो हर कोई कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, गाइड भी कर रहा है दुनिया के एतबार से, तो जो सिस्टम यहाँ पे है, अभी जब मैं 2018 में मैं यहाँ US सिटीजन बना था तो बाकायदा हलफ लिया जाता है कि भाई आप इकरार करें कि आप अमरीका के साथ जो है ना वो, तो सारा ये प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। उसके बाद उन्होंने एक चैनल वाले थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू के अंदर मुझसे उन्होंने चल सवाल करे कि आपको क्या चीज़ें मैसर हो गई जो आपको एज अ पाकिस्तानी सिटीजन नहीं थी US सिटीजन बनने के बाद। तो उसमें मैंने कई सवाल के जवाब दिए मैंने, और एक बात ये भी अर्ज़ करी कि मैंने कहा भाई आज हमारे दिलों में हेट्रेड भरी हुई है, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, दिल में बुग्ज कीना हसद, दिल के अंदर जो है ना वो लोगों की खैरख्वाही के बजाय उनकी बर्बादी का हम प्लान बना रहे होते हैं कि यार ये बर्बाद हो जाए, इनको ख़त्म कर दें। तो मैंने कहा पहली चीज़ तो हम इस, मैंने ये मीडिया वालों को कहा, मैंने कहा भाई ये हम बात, वी आर गिविंग अ मैसेज ऑफ पीस एंड लव अ ब्रदरहुड, दिस इज़ अवर मैसेज, ये हमारा मैसेज है कि हम चाह रहे हैं कि सारे लोग कामयाब हो जाएं, हम ये नहीं चाह रहे थे मुसलमान कामयाब हो, हर इंसान दुनिया में जो आया है वो अल्लाह को मान के अल्लाह की मानने वाला बन जाए। तो इंशाल्लाह आप और कोई सवाल करना चाहें तो करें, मेरी तो चलती रहेगी। इसमें सवाल ये थे कि एक तो ये कॉन्सेप्ट वाकई में हमारे यहाँ भी बहुत यानी मुस्लिम कंट्रीज में ही पाए जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का ये ज़्यादा था कि ना वो लोगों के लिए दिल में वसत नहीं है, हम समझते हैं कि वो जो है ना वो गोरे हैं तो बस वो ना, या नॉन मुस्लिम है तो बस वो जहाँ भी पहाड़ में जाएं या कुछ भी, या तो नफरत पाई जाती है। अच्छा, और एक एक दूसरी दूसरा एक्सट्रीम ये है कि भाई वो तो हमसे बहुत अच्छे हैं बहुत नेक हैं, बस कलमा पढ़ने की देर। तो आप तो चूंकि ग्राउंड रियलिटीज वहां पर मौजूद है, तो आप जरा ग्राउंड रियलिटीज बताएं कि बाय नेचर तो यानी अगर हम देखें तो क्या ये वाली साइड सही है, वाली साइड सही है, देयर इज अ समथिंग इन बिटवीन, या तो पक्के मुसलमानों वाला रवैया उनका सब कुछ वही है, बस सिर्फ कलमा पढ़वाने की देर है, या नहीं देयर आर प्रॉब्लम्स और हमें उनकी फिक्र करनी है। देखें, एक बात, मैंने अल्लाह के फजल से कोई 20-25 मुल्कों में मेरा जाना हुआ है, सफर हुआ है, और यहाँ पे 45 स्टेटों में सफर हुआ है अमेरिका में। एक बात जो मैंने यहाँ पे नोट करी है और जो कि हर कोई इस बात को मानेगा कि ये जो अवामुन्नास यहाँ पे लोग हैं, जो अवामुन्नास है, जो आम पब्लिक जनरल पब्लिक है, उनकी उनका जो आपसे बिहेव करने का तरीका है वो ऐन सुन्नत के मुताबिक है। सही, एवरीवन जो आपसे मिलेगा ना स्माइल करके मिलेगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग, यानी हाल पूछना। हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की है कि जब आप किसी से मिलें तो मुस्कुरा के मिलें, और स्माइल करना भी सदका है, ये भी हदीस में है कि भाई स्माइल करके किसी से मिलना। तो हमारे, मैंने ये बात कराची में मैं सफ़र किया W11 में भी और एन में भी, ठीक है ना, ये सारी हमारे लोगों में ख़ास तौर पर रमज़ान में तो भाई ऐसा लगता है कि किसी ने कुत्ते ने काटा हुआ है या फिर कोई मसला है बेचारे एटीट्यूड के साथ कि वो लड़ने को तैयार है कि अभी वो अभी जो है ना गन निकालेगा या अभी कुछ चमाट मारेगा या अभी कुछ करेगा। सही। एक बात जो मैं अर्ज करूंगा कि एटीट्यूड के जो बात है जो आपने अर्ज करी है कि कहाँ तक सच्चाई है और जो ग्राउंड रियलिटी है, देखिए हमारे इखलाक में और इनके इखलाक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, जो चीज़ें हमें अहादीस में मिलती हैं, कुरान में मिलती हैं कि लोगों से अच्छी तरह बात करो, मुस्कुरा के बात करो, मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको और वाजह हो जाएगी बात। मैं मिशिगन में वक्त लगा रहा था, यूनिवर्सिटी मिशिगन में एक जगह है ग्रैंड रैपिड्स, ये काफ़ी नॉर्थ में एक सिटी है, वहाँ पर हमारी तश्कील हो गई थी ग्रैंड रैपिड्स, और हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में गश्त कर रहे थे, तो हम मुसलमानों को ढूंढ रहे थे कि भाई कोई मुसलमान मिल जाए दावत देंगे। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग भी थे, तो हमने देखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक लड़की जो है वो स्कार्फ पहनी हुई और बाकायदा पूरे उसने कवर्ड
शर्ट पैंट पहनी हुई, लेकिन पूरा मतलब बापर लिबास के अंदर वो नमाज़ पढ़ रही है, मुसल्ला बिछा हुआ है और नमाज़ पढ़ रही है। सही मैंने वो बुजुर्ग को कहा, मैंने कहा हजरत मुसलमान तो मिल गए, मुसलमान लड़की मिल गई है, इससे मालूम करें लड़के कहाँ हैं ताकि हम फिर दावत दे दें। तो उन्होंने बुजुर्ग ने उनसे जाके पूछा तो उन्होंने बताया, उस लड़की ने कहा कि या आई विल हेल्प यू आउट, प्लीज इंशाल्लाह फॉलो मी। बहुत बहुत बड़ा कैंपस था, तो उसने कहा मैं गाड़ी में जाऊंगी, आप मुझे फॉलो कर लें। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग उनको फॉलो करते सही करते एक डिपार्टमेंट में पहुंचे जहां उसने गाड़ी रोकी। उसने हमने इशारा किया कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप चले जाएं अंदर, यहाँ पे आपको मुसलमान मिलेंगे, आई एम लीविंग। मतलब वो रहबर बन गई, समझे आप, जैसे हुदहुद था, ठीक है हुदहुद रहबर बना था कौमे सबा की हिदायत का, तो अल्लाह ने उसको रहबर बना दिया ये मुसलमान लड़कों से मिलवाने का। तो मैं अंदर गया डिपार्टमेंट में, अब मैं उनको नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं क्या है। मैं अंदर गया तो उसमें एक खातून गोरी थी, उसको मैंने कहा कि भाई मैं हम यहाँ विजिट कर रहे हैं, वी विजिटिंग दिस टाउन एंड वी वांट टू सी मुस्लिम्स। तो उसने जैसे ही हमें देखा तो उसने बहुत हमें बहुत वार्म वेलकम करा। उसने कहा भाई वी आर वेरी ग्लैड टू सी यू, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जस्ट होल्ड अ सेकेंड, आई विल टेक यू इनसाइड। मुझे अंदर लेके गई एक कमरे में, तो वहाँ पे 25 लड़के बैठे हुए थे, ठीक है, सही और वो 25 लड़के सारे सऊदी अरब के थे, और वो सही आए ESL क्लास के अंदर, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, वो इंग्लिश सीख रहे थे क्योंकि उनको एक साल भी नहीं, कुछ महीने हुए थे आए हुए। सही तो वो अभी उनसे मैंने, अब मसला ये है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, सही और हमें मुझे अरबी नहीं आती है ना, उर्दू तो आती नहीं है उनको। मैंने सही यार इनको दावत कैसे दूँ? तो खैर मुझे टूटी फूटी जो कुरान से अरबी आती है, तो मैंने बात शुरू करी। पहले तो मैंने पूछा तुम मिन अइना अंता, तुम कहाँ से हो? तो किसी ने कहा मैं जद्दा का हूँ, किसी ने कहा मैं तबूक का हूँ, किसी ने कहा मैं मक्के का हूँ, किसी ने कहा मदीना मुनव्वरा का हूँ, किसी ने कहा यम्बू का हूँ, किसी ने दम्माम, देहरान। मतलब हैरान हो गया मैं। मैंने कहा यार ये तो पूरा सऊदी अरब आ गया, यहाँ पे पूरा सही सऊदी अरब, पूरा सऊदी अरब बैठा हुआ था, 25 लोग बैठे हुए थे। अब सही मैंने मुझे उसने अच्छा गोरी ने क्या किया, शी गेव मी, वो जो होता है ना ब्लैक बोर्ड को डस्ट करने का डस्टर होता है, वो दिया, और उसने एक ब्लैक मार्कर दिया व्हाइट बोर्ड के लिए कि आप ये उनको पढ़ाएं आप, और दरवाजा बंद कर दिया उसने। सही हम दावत देने आए थे, उन्होंने कहा ये तो पूरी भाई क्लास लेने के चक्करों में है क्या? खैर मैंने दावत दी उनको कुरान हदीस से जो मुझे आती थी टूटी फूटी। उसके बाद फिर मैं बाहर निकला तो वो बाहर वेट कर रही थी। उसे कहा थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड आई नो यू आर डूइंग आउटरीचिंग एंड यू आर ट्राइंग टू मीट योर कम्युनिटी मुस्लिम्स एंड गिव देम अ रिमाइंडर एंड वी नीड दैट फॉर देम। वो मुझे कह रही है, वो सही गोरी कह रही है कि हम चाहते हैं कि आप मुसलमानों को आगे रिमाइंड कराएं क्योंकि इनका हाल बहुत बुरा है, तो आप प्लीज। सही अच्छा। उसके बाद फिर कहती है डू यू हैव टाइम? मैंने कहा यस। कहती वी हैव अनदर रूम एंड वी स्टिल हैव 20 पीपल, और 20 लोग और हैं, उनसे भी बात करनी है। सही और फिर हम उनके पास गए, उनसे बात करी। तकरीबन आप समझिए 50 लोगों को दावत देके बिल्डिंग से मैं निकला हूँ, 50 लोगों को, और सारे 50 के 50 सऊदी थे। तो सही अच्छा दावत दिलवाई, पहले रहबर कौन बनी? वो सऊदी लड़की। सही दूसरा जिसने हमें वेलकम किया और जिस औरत ने हमें कहा कि आप दावत दें, वो कौन है? गैर मुस्लिम है वो, सही बुरी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं या इस्लाम से नफरत करते हैं। इनकी जो अवामुन नास है उनमें बहुत ज़्यादा खैरख्वाही का जज्बा है और सही बहुत अच्छे अखलाक हैं उनके। अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करें, हमारी ये मस्जिद जो है यहाँ पे, हम जो हमारे चर्च वाले उनको बुलाते हैं, इंटरफेथ करते हैं, सही और आप यकीन करें मैंने किसी औरत को नहीं कहा स्कार्फ पहन कराओ, खुद ही औरतें स्कार्फ पहन के आती हैं। जो ईसाई चर्चों की औरतें हैं गोरियां, वो खुद ही स्कार्फ पहन, हमने नहीं बोला उनको स्कार्फ सही पहन के आओ, वो खुद स्कार्फ पहन के आती हैं, फुल स्लीव्स के अंदर आती हैं, पूरे फुल स्लीव्स, फुल मतलब नीचे ट्राउजर सब। तो ये है कि यहाँ पे काफी अल्लाह के फजल से लोग जो है ना सुनने के लिए भी तैयार हैं यहाँ पे। इनकी जैसे हमारा आईन होता है पाकिस्तान के अंदर, सही और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शिक है जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक सही है, जो मैंने बात उनसे रिपोर्टर से भी की थी जब मैं सिटीजन बना था, कि दिस इज समथिंग आई एडमायर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे गिव अस दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम अपनी मर्जी से अपने फेथ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा एक और बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे एक लॉ है, अमरीका में एक लॉ है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नमाज पढ़ने नहीं दे रहा, तो आप सही कॉल दैट नंबर और उनको आप बताएं कि भाई मैं यहाँ यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरा एम्प्लॉयर जो है मुझे नमाज पढ़ने नहीं दे रहा, तो लीगली ही इज बाउंड टू गिव यू टाइम टू प्रे जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, जो भी आप पढ़वाएं। अल्लाह तो ये अल्लाह के फजल से दीन के एतबार से बहुत ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है कि हम यहाँ पे दीन की तबलीग करें, दीन की दावत दें। लेकिन मैंने शुरू में बात की है कि भाई सारे असरात और सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारी नीयत के ऊपर। हमारी नीयत क्या है? एक तो ये सही नियत है कि हमें उनसे लेने की नियत है कि भाई हमें
चीज़ें मिल जाएं, आसाइशें मिल जाएं, गाड़ियां मिल जाएं, मोबाइल मिल जाएं और दुनिया की सारी जो ना जो भी लग्जरीज मिल जाएं। और दूसरी नीयत ये है कि हम उनको कलमा दे दें। जो हमारे बड़े फरमाते हैं कि भाई इन्होंने तो हमें हर चीज़ दे दी, रोड भी बना के दे दिए, अच्छे हाईवे भी दे दिए, एजुकेशन भी इन्होंने बेस्ट एजुकेशन दुनिया के अंदर, यहाँ पे PhD हो रहा है, मास्टर्स हो रहा है, हर चीज़ अल्लाह ने हमें इनको दुनियावी एतबार से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें जो चीज़ दी है वो कलमा दिया है। अब अगर हम इनको कलमा नहीं देंगे तो उनको कलमा कौन देगा, कौन बताएगा? अल्लाह कोई फोर्स तो नहीं भेजेगा आसमान से। तो ये हमारे एज अ मुसलमान जो वेस्ट में रह रहे हैं, चाहे अमेरिका में रह रहे हों, UK में रह रहे हों, यूरोप में रह रहे हों, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके जो गैर मुसलमान हैं उनके कलमे की फिक्र करें, उसके बारे में मशवरा करें, रोज़ाना बैठ के अपने जहन को लड़ाएं कि यार कैसे इन लोगों को कलमा मिल जाए। अगर ये बगैर कलमे के मर गए तो ये कहाँ जहन्नुम की आग में जलेंगे, 70 गुना ज़्यादा जो आग है। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर आज ये जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो बाद में भी देखेंगे, ओवन जो हमारा घर में स्टोव होता है, चूल्हे के ऊपर जाके ना ये हमारी ये उंगली का एक छोटा सा पोर है, उसको रखें जरा थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए रख के देखें, तो आपको बहुत गर्मी महसूस होगी और आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ इसको ना इमेजिन करें कि ये लोग अगर बगैर कलमे के मर गए तो ये दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा आग है उसमें जलेंगे। दुनिया की आग से 70 टाइम ज्यादा वो आग होगी उसमें जलेंगे हम। लेकिन जो है ना, हमें इस बात का एहसास पैदा हो जाए, इस बात को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बन जाएं कि यार मेरे कॉल ऑफ फेल से, मेरे अमल से कोई दीन से दूर ना हो। सही। पहले तो कोशिश करें उसको दीन पे लाने की, लेकिन अगर वो दीन पर नहीं आ सकता तो ऐसा ना हो कि मैं दीन को बदनाम करने वाला बन जाऊं, मैं यहाँ रह के या वेस्ट में रह के मैं ऐसे अमल करूं कि जिससे मुसलमानों को लोग कहें कि यार। मैं एक छोटी सी आपको लास्ट मिसाल दूंगा, बात लंबी हो गई है। मैं नॉर्थ कैरोलिना में जब इमाम था, मेरा एक मुसल्ली था, अरब था, वो अल्जीरिया का था, अल्जजायर का। तो वो मुझे कहने लगा, वो कार डीलर था, बहुत बड़ा कार डीलर था, तो मुझे कहने लगा, इमाम आई विल नेवर सेल अ कार टू अ मुस्लिम, मैं कभी भी मुसलमान को गाड़ी नहीं बेचूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता है गाड़ी लेते हैं फिर पेमेंट ही नहीं करते, निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। यानी मुसलमान मुसलमान को, आप सोचें यार, वो मेरा मुसल्ली है, मेरे पीछे नमाज पढ़ता है, वो कहता है मैं मुसलमान को गाड़ी नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो गाड़ी लेते हैं उसके बाद पेमेंट करते नहीं। उनको कह रहे मैं कॉले कर करके थक गया हूँ, मंथ में हर महीने कॉल करता हूँ, भाई पेमेंट दे दो अल्लाह के वली, वो रिप्लाई नहीं करता, टेक्स्ट करता हूँ उठाते ही नहीं है फोन, बाकियों को उठाते हैं, इसका नहीं उठाते कार डीलर का। तो ये हमारे हाल, यानी अल्लाह माफ करे, पूरी दुनिया में एक पोर्ट्रे, एक इमेज पोर्ट्रे हो गई है कि मुसलमान 2 नंबर है, मुसलमान फ्रॉडी है, मुसलमान झूठ बोलेगा, मुसलमान गलत करेगा, मुसलमान कोई ना कोई 2 नंबरी करेगा। इसको हमने खत्म करना है, हमने अमलन अमलन जामा पहनाना, मतलब अमामा पहनना बहुत आसान है और टोपी पहनना आसान है, दाढ़ी रखना आसान है, लेकिन अमल से इस्लाम पेश करना लोगों को, अमल से, दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड टुडे, जिससे लोग, जिसके जिसके अंदर लोगों के दिलों में ईमान आएगा, जिसके अंदर लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी अल्लाह उनको देगा। तो ये मेरा मैसेज है सबके लिए। सही। अच्छा फैजान भाई, वक्त थोड़ा है तो मैं आपसे एक ही दफ़ा में दोनों सवाल रख देता हूँ। एक तो ये, वो लोग जो पाकिस्तान से या इंडिया से वेस्ट में मूव होना चाहते हैं कैरियर को लेकर, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स हैं कि वो किस तरीके से अपना खुद भी दीन पे कायम रहें और दूसरों दावत के काम का भी हिस्सा बने? एंड सेकेंड, वो लोग जो यहाँ पर अभी दरस निज़ामी कर रहे हैं या आलिम बन रहे हैं, और वो पहली तो इम्पोर्टेंस पे हमने अच्छी खासी बात कर ली, थोड़ी सी इस पे भी और वजात आ जाए कि वो अपना विजन ब्रॉड करें कि भाई ये सिर्फ मैंने पाकिस्तान के मदरसे के लिए, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। अब अगर उसने डिसाइड कर लिया कि भाई वो किसी भी, लेट सपोज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो है 5, इनमें कहीं प्लान आउट कर रहा है, सो वॉट आर द स्किल्स वट ही और शी नीड्स, वट ही नीड्स कि वो ज़्यादा आसानी से इन लोगों के मिजाज को समझ सके, इनको लेकर चल सके? जैसे एक तो लैंग्वेज ही हो गई, लेकिन और क्या चीज़ है ये, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी आप बात कर लें दोनों लोगों के हवाले से। देखें, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर कोई बंदा दुनियावी एतबार से यहाँ मूव होना चाहता है, तो मेरी अपनी राय ये है कि अभी हमारा जो कॉरपोरेट अमेरिका का सिस्टम यहाँ चल रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। सही है। और उस एम्प्लॉयमेंट का एक ना एक क्या कहना चाहिए, एक साइकिल है जिसको एक जाल समझे, वेब वेब साइकिल है एक। और उस साइकिल में जब बंदा आता है ना उमेर भाई, आप यकीन करें जितने लोग अमेरिका में बैठ के सुन रहे हैं, वो इतना बिजी हो जाता है कि उसके लिए टाइम ही नहीं होता कि वो दीन के लिए कोई वक्त निकाल पाए। ठीक है। हम लोग ये रोजाना एक्सपीरियंस करते हैं लोगों से मिलके, यानी मैं यश कर रहा था अपने मोहल्ले में, तो एक अफगानी मिला, तो मैंने उससे पूछा भाई, वो मुझे कहने लगा यू आर वेरी लकी टू फाइंड मी। मैंने कहा क्यों?
कहता है कि आई वर्क 18 आवर्स अ डे, मैं 18 घंटे काम करता हूँ। मैंने कहा तू करता क्या है, कहता है आई डू मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, मैं मार्केटिंग करता हूँ एक प्रोडक्ट की। तो मैंने कहा यार 18 घंटे, मैंने कहा भाई तू सोता कब है, कहता है बस मैं आता हूँ और बस सोता हूँ और खाता हूँ घर पे, बस 2-3 घंटे और चला जाता हूँ। मैंने कहा यार इतनी कुर्बानी, यार आप सोचें लेवल, सोचें कुर्बानी का यार, मतलब लुक एट द लेवल ऑफ कुर्बानी एंड सैक्रिफाइस पीपल आर डूइंग 75% ऑफ द टाइम, एंड व्हाट इज द पर्पस, टू अर्न डॉलर्स, टू अर्न अ गुड लाइफ, ही डजंट हैव टाइम फॉर हिज फैमिली, डजंट हैव टाइम फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड नो वन। तो एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड जरा। जी जी सॉरी। तो मैं ऐसा कर रहा था कि दुनियावी एतबार से कोई मूवर चाहता है तो पहली बात तो ये कि यार एम्प्लॉयमेंट की नीयत से यहाँ ना आए। सही, एम्प्लॉयमेंट यानी क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट की नीयत से यहाँ पे आएगा तो उसको एक साइकिल में रहना पड़ेगा, ही डज नॉट हैव फ्री विल टू मूव अराउंड। तो उसमें मेरी राय, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे आप माशाल्लाह अपनी ये कंपनी चला रहे हैं और आप काम कर रहे हैं बिजनेस, तो इट्स बेटर टू डू बिजनेस। एक तो सहाबा में अगर आप कुरान हदीस को इतबार से देखें तो सहाबा 10 अशरे मुबशर हैं, 10 के 10 ताजर थे, गुलाम नहीं थे। गुलाम क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट देखा जाए लिटरल मीनिंग में, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन वो गुलामी है, गुलामी है, आप गुलाम है। जब बॉस ने कहा उठ जाओ उठ जाएंगे, बॉस ने कहा बैठ जाओ बैठ जाएंगे, बॉस ने कहा सुबह हो रही है बोलो सुबह है, बोला शाम है शाम है। तो ये हम लोगों को अल्लाह ने जो स्किल सेट दिया है उसको हम दुनिया में मार्केट कर सकते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है। फिर वेंडर्स होते हैं हमारे, माशाल्लाह काफ़ी बिजनेसमैन हैं जो कि आते हैं या कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। उसमें जो लोग देखें बाहर आना चाहते हैं, मेरी राय होगी कि वो पढ़ने के लिए आए, जॉब के बारे से ना आए, पहले आए पढ़ाई को फोकस रखे। जब वो पढ़ाई को फोकस रख के आएंगे तो उनके सामने एक टास्क होगी कि उनको फुलफिल करना है, मैंने मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स माशाल्लाह यहाँ बहुत आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पूरी दुनिया से आते हैं, क्योंकि तो अमेरिका में आपको पता है जो पढ़ाई है ये वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है, हर जगह मानी जाती है। तो यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटीज भरी हुई है, सऊदी अरब से, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं पढ़ने। तो पहले तो एक टास्क कराएं, उसमें मेरी राय दुनियावी एतबार से पढ़ाई के लिए आए, नौकरी के लिए ना आए, पढ़ाई के लिए। जब वो यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, और जब वो देखेंगे दीन के हाल, दीन के हवाल देखेंगे, उसके बाद उनको अगर मौका मिलता है यहाँ पे सेटल होने का या फिर कुछ और करने का, बिजनेस करने का, तो वो बिजनेस, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जॉब वाला नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का है कि वो बिजनेस, पहली बात ये होगी। दूसरा आपका क्या सवाल था? दूसरा ये था कि यही लोग जो कि सेटल्ड होने के लिए आए, यानी दुनियावी एतबार से, वन सेकेंड जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान में आलिम बन रहे हैं, एंड दे हैव अ प्लान, एक तो उनका प्लान होना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें कि भाई वो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे उलमा इकराम हैं लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब विजन तो सेट हो गया कि भाई होना चाहिए, अब नाउ दरसे निज़ामी के अलावा क्या स्किल सेट है जो उनको डेवलप। अहम सवाल है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस एज वेल, जो हमारे उलमा इकराम और हुफाज हैं। देखिए भाई यहाँ पे दीन की किल्लत है, दीन की कमी है, यहाँ पे दीनदार लोगों का मिलना मुश्किल है, यहाँ पे उलमा का एक्सेसिबिलिटी मुश्किल है। तो जिस मुल्क में मतलब आप, मतलब कुफर का माहौल है और जहाँ पे आप दीन पे चलना बहुत एक मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, तो यहाँ पे पहली बात तो हमें नियत करनी चाहिए यहाँ पे हम आए। अब मैं आपको एज ए इमाम बता दूँ, मेरे पास पता नहीं कोई कितनी सैकड़ों जगह होंगी, मैं नंबर नहीं लूंगा, सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहाँ पे इमाम ही नहीं है मस्जिद में, ठीक है। वो मुझे फोन करते हैं कम्युनिटी वाले, क्योंकि मैं काफी ट्रैवल करता हूँ कि यार आप कोई हाफिज साहब हैं, आलिम साहब अगर मूव होना चाहते हैं उनको इमाम रखवा दें। तो उसमें जो उनको चैलेंजेस आएंगे पाकिस्तान से आने के लिए, पहली चीज इंग्लिश आएगी, उनको इंग्लिश आनी चाहिए। सही है। यहाँ पे इंग्लिश एक समझें कि वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि अगर आपको इंग्लिश आती है यू कैन डिलीवर। दूसरी बात ये आपका कुरान ठीक होना चाहिए, ठीक है। मैं जब पाकिस्तान से यहाँ मूव हुआ था मैं समझता हूँ मेरा कुरान बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा कुरान बहुत ही ज्यादा जो है ना वो कमजोर था, यानी तजवीद। उसकी वजह यह है कि हमारे जैसे हम जाल, मैं मिसाल देता हूँ, हम जाल बोलते हैं, अब मैं पढ़ता हूँ फबी अला रबी कुमा तो कज़िबान, अब एक है कज़िबान पढ़ना, एक है कज़िबान जाल से पढ़ना, अपनी टंग निकाल के जाल कहना, उसको प्रोनाउंस करना। तो यहाँ पे क्योंकि अरब लोग भी हैं और अरब इन्फ्लुएंस है, फिर डिफरेंट फ़िका के लोग हैं, फिर शाफी भी हैं, मालिकी भी हैं, तो हमें हमारा कुरान बहुत अच्छा होना चाहिए, पहली बात यह।
सही तजवीद सही होनी चाहिए उसकी, उसको चेक कर लें किसी खारी साहब के साथ बैठ के, तजवीद के जो लेटर्स हैं प्रोनाउंस हो रहे हैं सही। दूसरा, अरबी पे हमें कमांड होनी चाहिए एज आलिम, अगर हम हो रहे हैं अरबी के ऊपर। इवन हम हाफिज नहीं है, देखें यहाँ हाफिज की भी कदर है, जरूरी नहीं आलिम बनना कि आप आलिम ही हो, हाफिज भी हो सकता है और हाफिज कुरान भी है, लेकिन अगर आपको ये एसेंशियल चीज़ें हैं, इंग्लिश आपको आती है अच्छी, ठीक है, दूसरी आपको अरबी, आप पे कमांड है सही है, कमांड ऑन अरबिक, तीसरी आप जो है ना वो आपने बता दिया कुरान जो है ना उसको आप सही प्रोनाउंस कर सकते हैं तरतील के साथ तजवीद के साथ, और चौथी चीज ये है कि आपके अंदर जो है ना मिलने मिलाने का जज्बा हो, यू नो लोगों से इंटरमिंगल करने का, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल। ठीक है, हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गोशा नशीन, ठीक है, वही जगह बैठ जाते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं बैठ के, और एक होते हैं जो कम्युनिटी में एक्टिव होते हैं, तो मतलब उसमें उनमें थोड़ा सा ना उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पार्क हो आपके अंदर, ठीक है ना, आप यानी लोगों से इंटरमिंगल कर सकें, उनसे मुलाकात कर सकें, उनके मिजाज को समझ सकें, यानी उसके लिए जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग होना है, अपने फतवे थोपने नहीं है कि भाई ये हराम हराम हराम, यानी उसमें थोड़ा सा आपको लचक के साथ, क्योंकि जिस मुल्क में आप आ रहे हैं या जिस इन्वायरमेंट में ये लोग रह रहे हैं। अब मैं जैसे अलास्का गया था जमात में, अलास्का में दो मरतबा गया हूँ, दो मरतबा अलास्का मेरा जाना हुआ है। अब वहाँ पे मेरे भाई सूरज नीचे ही नहीं आता, सूरज ऊपर ही रहता है, यानी लिटरली हम वहाँ पे हैरान है, ईशा हो गई है, ईशा में पढ़ा रहा हूँ सूरज निकला हुआ है, फजर पढ़ा रहा हूँ सूरज निकला हुआ है। तो उसमें ये जो बंदा जब तक प्रैक्टिकली वहाँ जाएगा नहीं ना, फतवा दारुल इफ्ता में बैठ के फतवा देना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन भाई जब आप जाओगे मिलोगे लोगों से, उनके मसला सुनोगे कि भाई सुबह उसने 8 बजे स्कूल जाना है, बच्चे ने 9 बजे सुबह स्कूल जाना है, और वो मतलब कुछ भी नहीं मतलब कर रहा, और कैसे सोएगा, कब वो ईशा पड़ेगा, कब फजर पड़ेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ गुंजाइश वहाँ पे है नमाजों के एतबार से, जो टाइम वहाँ पे है, जैसे नॉर्वे में है और ये अलास्का के ऊपर की स्टेट्स हैं। तो इसमें ये है कि भी ये सारे स्किट सेल्स हैं, अल्लाह ताला हमें इनको हासिल करने की तौफीक दे। हमारे पास अभी कितना टाइम है भाई, हमें टाइम हो गया जोर का, यहाँ पे 2:05 हो गए, फौरन एंड करनी पड़ेगी। हाँ एक दो जी कर लें, एक सवाल कर लें। हाँ एक सवाल तो मेरा इसी से कनेक्टेड था कि वुसत के ऊपर थोड़ी सी बात कहते हैं, हमारे यहाँ तो हम जैसे उस दिन मेरी इमाम सालिक से भी बात हो रही थी कि फरोही मसाइल पर ही पाकिस्तान में तो हम अड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत खुला सीना रखना पड़ता है, तो जो भी मूव ऑन करना चाहता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, और जाते जाते अगर एक दो जुनेद जमशेद की कोई नात हमें सुना दें यूट्यूब वाले शेयर कर लें। अच्छा, तो वसत के अतबार से ये है कि हमें, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि वी हैव टू बी अकोमोडेटिव, और हमें अकोमोडेट होना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लिश एंड अमेरिकन एक्सेंट टू कनेक्ट विद मुस्लिम काशिफ भाई कनाडा। हाँ ये बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि अमेरिकन एक्सेंट के अंदर इंग्लिश सीखें, क्योंकि एक्सेंट से भी फर्क पड़ता है, खासतौर पर यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका एक्सेंट डिफरेंट है, और जो हम लोग पाकिस्तानी एक्सेंट लेकर आते हैं वो भी डिफरेंट है, तो दिस इज समथिंग बहुत अच्छा उन्होंने बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये वसत के अतबार से यही बात है भाई कि हम लोगों का अकोमोडेटिंग, हमारी जो नेचर हो वो अकोमोडेटिंग हो, हमारी नेचर फतवे देने वाली ना हो, यानी फॉर डिक्लेरेशन करने वाली ना हो कि बस मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने बता दिया बस ये बात सही है, कुरान में है तो आपने इसी तरह करना है। तो कुरान में भी ना उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, अपने रब की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती अहसन, उनको अच्छी तरीके से हिकमत के साथ रागिब करो दीन की तरफ। तो हम अपने डिसीजंस को या हमारे जो हमने कुरान हदीस पढ़ा है उसको लोगों पर इम्पोज ना करें, बल्कि हम लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट दें, जैसे मौला तारिक मीर साहब कहते हैं कि नूर जहां 27वें रमजान को मर गई तो अब अल्लाह पे केस करो। तो भाई अब वो तो अल्लाह ने अभी अभी कौन मरा है पता नहीं, कोई फिल्म एक्टर मर गया, इरफान खान मर गया रमजान में, तो उसमें मर रहा है भाई, अल्लाह को पता नहीं उसकी क्या आदत पसंद आ गई यार, अल्लाह को उसे क्या ज्यादा पसंद आ गई कि अल्लाह ने उसको रमजान में मौत दे दी, रमजान में गया तो वो तो हिसाब तो है नहीं, तो जन्नत में इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद हो जाएगा। तो अब ये है कि हम मतलब लोगों को जज करने में जल्दी ना करें, लोगों को जज करने में थोड़ा सा अपनी और फिक्र करें, और दूसरी बात यह है कि ये बात मैं दुआ भी करता हूँ रोजाना, अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा कर दे कि हम दूसरों की एक तो है ना कि किसी की इस्लाह की नीयत से उसको हम उससे बात करें, और एक ये है कि उसको इतनी मोहब्बत दें कि उसकी खुद ही इस्लाह हो जाए। ठीक है, ये यानी एक है कि हम इस्लाह, यार उमेर भाई आपकी टोपी ठीक नहीं लग रही यार, आप जरा अपनी टोपी ऐसे पहना करें, यार उमेर भाई आपकी घड़ी आप ना उल्टे हाथ पे बांधते हैं, राइट पे बांधा करें,
और एक ये है कि आप इतनी मोहब्बत दें, इतना ताल्लुक दें, इतना उससे करीब कुर्बत, उससे इतनी फ्रेंडशिप हो कि आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको रोल मॉडल बना के कॉपी करना शुरू कर दे आप। तो ये दो चीजें हैं इसमें, आप डायरेक्टली कमेंड नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह इस पर अमल कर लें तो यू बी डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू फॉर जज़ाकअल्लाह भाईजान। तो ये है कि मैं मैं एतबार पढ़ दूंगा भाई, क्योंकि नात तो बहुत पढ़ने वाली, एतबार मैंने पढ़ी है। हमारे शेख सलमान साहब जो है उन्होंने इसकी तशरीह की है, जो इसके ऊपर जिसको कोई इश्काल है और जिसको कोई पता है, वो मेरी वो यूट्यूब का लिंक अगर आप डाल देंगे वो चेक कर ले, उसकी तशरीह में डाली है ताकि लोगों को पता चल जाए ये अल्लाह की मोहब्बत के लिए है, ये किसी माशूका के लिए नहीं है, अल्लाह की जात पर हम एतबार, अल्लाह पर यकीन आ जाए हमारा। बार बार अल्लाह कह रहे हैं तवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बू, तुम अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। तो मैं एक और मैंने उसको तो बहुत बहुत डेमो भी किया है, मैंने बहुत सारे अपने घर में भी लोगों को ना वो वीडियो छुपा के सुनाया, मैंने बोला देखे कौन है, तो वो कह रहे जुनैद जमशेद, फिर उनको वीडियो दिखे, उसमें सबसे ज्यादा आपकी आवाज मैच करती है सर। मैं बस भाई हमारा टाइम हो गया नमाज की बात दर्ज करूं, खत्म। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलट सी गई, सोचो तो जरा, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार व्यार भी हो ही जाएगा, यानी अल्लाह से इश्क हो जाएगा, ये प्यार व्यार दुनिया भी नहीं है भाई, इसको जरा गलत मायने में ना ले लो। चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आपका ये यूट्यूब का नेम मेंशन कर दूं, इस नाम से फैजान भाई का ये चैनल है, आप इधर जाएं और ये आप इनको सुने, आंखें बंद करके सुने, तो मैं मेरी तो फीलिंग ये थी कि मैं जैसे जुनैद जमशेद भाई को सुन रहा हूँ, ताल्लुक भी बहुत ज्यादा करीबी बन गया। जज़ाकअल्लाह सर, आपका बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने आपको थैंक किया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है दोबारा।